सावन में आज का दिन शिव जी को बेहद प्रिय है। मान्यता है कि इस दिन पूजा पाठ से हर मनोकामना पूरी होती है और शिवालयों में शिव भक्त आज के दिन श्रद्धा के साथ शिवरात्रि मना रहे हैं। शिवरात्रि पर हम आपको देश भर से आई शिव भक्तों की ताजा तस्वीरें लगातार दिखा रहे हैं। मान्यता है कि इस दिन व्रत रखने और पूजा अर्चना करने वाले भक्तों पर महादेव जल्दी प्रसन्न होते हैं और उन्हें उनके विशेष जो है उनकी कृपा प्राप्त होती है। आज शिवरात्रि पर 19 साल बाद शुभ संयोग बना है। आज सर्वार्थ सिद्धि योग भी है, आज हर्ष योग भी है और आज ही व्रज योग भी बन रहा है। ये संयोग अद्भुत है और इसीलिए आज सावन की शिवरात्रि का महत्व कई गुना बढ़ गया है। आ गई है मंगल बेला। सावन में शिवरात्रि की ये वो शुभ घड़ी है जो शिव साधकों के तमाम मनोरथ सिद्ध करेगी। यही वजह है कि देश भर के मंदिरों में आस्था और भक्ति का अद्भुत संगम उमड़ा है। महादेव को प्रसन्न करने की ये वो अमृत बेला है जिसका तमाम शिव भक्तों को इंतजार था। हिंदू पंचांग के अनुसार यूं तो हर मास कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी को शिवरात्रि का व्रत रखा जाता है, लेकिन सावन में ये दिन बेहद शुभ माना जाता है। 19 साल बाद वज्र योग, हर्ष योग और सर्वार्थ सिद्धि योग का निर्माण हो रहा है। ज्योतिषाचार्यों का मानना है कि ये दुर्लभ योग अति फलदायी है जिसने इस पावन घड़ी में अविनाशी को प्रसन्न कर लिया, महादेव उसके तमाम दुख हर लेंगे। इस दिन लोग कांवर में जल भरकर लाते हैं, दूर दूर से पवित्र नदियों से जल भरकर के लाते हैं और पवित्र शिवलिंगों पर या जो शिवलिंग उनके घर के आसपास है उस पर जल अर्पित करते हैं। वैसे तो सुबह से ही देश भर के मंदिरों में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ देखने को मिल रही है, लेकिन पंचांग के अनुसार अभी अमृत काल चल रहा है जो कि सुबह 9:02 पर शुरू हुआ है और 10:45 तक रहेगा। इस दौरान शिव पूजन और जलाभिषेक बेहद फलदायी है। भारतीय धर्म शास्त्रों में शिवरात्रि की विशेष महिमा बताई गई है। माना जाता है कि इस दिन देवों के देव का प्राकट्य हुआ था। इसके अलावा शिव जी का विवाह भी इसी दिन माना जाता है। इस दिन व्रत, उपवास, मंत्र जाप और रात्रि जागरण का विशेष महत्व है। शिवरात्रि पर महादेव की उपासना से व्यक्ति को जीवन में संपूर्ण सुख मिल सकता है। शिवरात्रि पर व्रत उपवास रखना, मंत्र जप करना और रात्रि जागरण करना, रात में जग करके भगवान शिव की पूजा उपासना साधना तपस्या करना बहुत बेहतर होता है। धरती पर शिवलिंग को शिव का साक्षात स्वरूप माना जाता है। यही वजह है कि शिवलिंग के दर्शन को स्वयं महादेव का दर्शन माना जाता है और इसी मान्यता के चलते भक्त शिवलिंग की पूजा अर्चना करते हैं। मान्यता ये भी है कि भगवान शिव ने इसी दिन समुद्र मंथन के दौरान विष का पान किया था। भगवान शिव ने ये विष पान सावन के मास में किया था, तब सभी देवी देवताओं ने उन पर जल अर्पित किया था जिससे उनके शरीर से विष का प्रभाव कम हो गया था। मान्यता है कि सावन में पड़ने वाली शिवरात्रि के दिन भोले बाबा पर जल अर्पित करने से निरोग रहने के साथ ही सारे कष्ट भी दूर हो जाते हैं। ऐसे में आज देश भर में भोले की भक्ति की अद्भुत तस्वीर दिखाई पड़ रही है। गली गली, शहर शहर बम बम भोले का जय घोष है। पवित्र गंगा घाटों से जल लेकर महादेव के भक्त मीलों कठिन यात्रा कर अपने आराध्य को अर्पित कर रहे हैं और सावन की शिवरात्रि पर महादेव का शुभाशीष ले रहे हैं। मनीष चौरसिया के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज़ टुडे।